हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ये देखिए ध्यान से। ये वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम केवल फॉर्म के बेस पे डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओपन किया है हमने फॉर्म। इसमें कहीं भी आपको टेबल नहीं नजर आएगी, देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ये केवल फॉर्म ही है। डबल क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म ओपन हो जाता है इस तरीके से, देख सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, जूम भी किया है मैंने, ये फॉर्म जो है आराम से देख लीजिए। अब इसमें कहीं भी हमने ना टेबल बनाया, ना क्वेरी बनाई, कुछ नहीं बनाया, सीधा हम फॉर्म में गए। यहाँ पर टाइप करता हूँ कुछ, लाइक 55 टाइप किया, और यहाँ पर टाइप करता हूँ 5, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऐड कर दे रहा है इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ डेटा को, यहाँ पर कर देता हूँ -55। ठीक है, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दे देता है -50। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको कैसे करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो जल्दी मैं बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं आपको इस चीज के बारे में जानकारी दूंगा। केवल और केवल फॉर्म जो है, फॉर्म के बेस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, केवल फॉर्म। हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्म में काम करना, ना हम टेबल बनाएंगे, ना हम क्वेरी बनाएंगे, सीधा फॉर्म में जाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई भी क्वेरी लगा पाएंगे। तो अगर आपको ये सीखना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।